इंडियन टीवी इंडस्ट्री में पहली बार दो शोज के बीच मेगा क्लैश होने जा रहा है। ताज़ा मिली जानकारी की माने तो स्टार प्लस जल्द ही नच बलिए के 10वें सीजन के जरिए धमाका करने जा रहा है। वहीं खबर है कि सलमान खान का शो बिग बॉस 14 भी जल्द ही आने वाला है, लेकिन अब खबर है कि इन दोनों शोज के बीच टीवी इंडस्ट्री का पहला मेगा क्लैश होने जा रहा है। आखिर दोनों शोज के बीच ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि दोनों के बीच एक बड़ा क्लैश होने जा रहा है, क्या है पूरी खबर, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। अगर आप भी इन दोनों शोज के फैन हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही अपने फेवरेट शो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल बात यह है कि स्पॉट बॉय से मिली जानकारी के अनुसार स्टार प्लस का फेमस कपल डांस रियलिटी शो नच बलिए 10 और कलर्स का पॉपुलर शो बिग बॉस 14 की टाइमिंग एक जैसी हो सकती है। स्टार प्लस नच बलिए का 10वां सीजन प्लान कर रहा है, इसे अक्टूबर में टेलीकास्ट किया जाएगा। पर हाल ही में खबरें आई हैं कि इसी टेलीकास्ट पर कलर्स टीवी के शो बिग बॉस 14 के वीकेंड एपिसोड टेलीकास्ट होंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, देखना होगा कि ये खबर कितनी सही साबित होती है। जहां एक तरफ नच बलिए की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है तो वहीं बिग बॉस 14 का भी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों ही शोज एक साथ टीवी पर आएंगे तो दर्शकों के पास दोनों शोज में से किसी एक शोज को चूज करने का ऑप्शन होगा। साथ ही अगर बिग बॉस 14 और नच बलिए 10 एक ही स्लॉट पर ऑन एयर होते हैं तो दोनों शोज की टीआरपी में तगड़ा कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि नच बलिए 9 को रवीना टंडन और अहमद खान ने जज किया था, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था। वह इस बार नच बलिए 10 को धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिग बॉस 14 की बात करें तो इस बार शो में टीवी और फिल्मी सितारों के अलावा टिकटॉक स्टार्स और फेमस यूट्यूबर भी नजर आ सकते हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सीजन 14 को भी सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं। वहीं दोनों शो साथ में टीवी पर आएंगे तो दोनों शोज की टीआरपी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पर क्यास लगाए जा रहे हैं कि बिग बॉस 14 की लोग ना ही देखे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सलमान खान के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, जिससे उनकी इमेज डाउन हो गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वजह से बिग बॉस 14 को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे नच बलिए को एक फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप नच बलिए 10 में अपने फेवरेट टीवी कपल्स को थिरकते हुए देखना चाहते हैं या बिग बॉस 14 में अपने फेवरेट स्टार्स को लड़ते हुए? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।